सारण जिला के भेल्दी थाना के मदारपुर पंचायत में दूसरी बार आई बाढ़ का पानी प्रवेश करने से गोसी छपरा गांव की सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है तथा सड़क को ध्वस्त कर दिया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है। पूर्व के बाढ़ के समय ग्रामीणों ने आवागमन के लिए चचरा का पुल बनाकर आवागमन बहाल किया था। प्रशासन द्वारा चचरी पुल को हटाकर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया, लेकिन 1.5 माह भी कम पड़ गया गड्ढा भरने में। मुखिया बैजनाथ तिवारी ने कहा कि सड़क मरम्मति नहीं होने से गांव का संपर्क भंग हो गया है, जल्द से जल्द सड़क की मरम्मति करा यातायात बहाल कराने की मांग की। D11 टीवी के लिए भेल्दी से मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट। बार का पूरे पब्लिक की समस्या हो गई है। मदारपुर पंचायत प्रखंड रमनौर ग्राम गोसी छपरा का सड़क जो है टूट गया है और इतना गड्ढा हो गया है कि आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है जिसका कोई हदो हिसाब नहीं है। बार बार ऑफिशियल भी गुहार लगाया गया, इंजीनियर भी आया आकर के यहाँ चेक किया, चार चार बार आया, एक बार नहीं। एक डंपर माल भेज देता है ऊँट के मुंह में जैसे जीरा का फोरन हो, माल भेज करके छोड़ देता है, वो भी पानी बहा करके लेके चला जाता है। है कि हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इसका मरम्मत किया जाए, इसका देख रेख किया जाए, अभी तक सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच पा रही है। हमारा समस्या है, गोछी छपरा मेरा गांव है, ये सड़क टूटला 3 महीना हो गया। हमारा सारी गांव का चलना फिरना सब मुश्किल हुआ है। आना जाना साग सब्जी ये सब इंजीनियर गिरवा दिया, अभी तक ले वो छुट्टा का पता नहीं है से वो कहाँ है। आदमी कैसे जी रहा है मर रहा है ये भी कोई सरकार नहीं पता लगा रहा है ऐसे।